दूध निकालने लाए ना डब्बा में कुन्नू चाहे स्टील का डब्बा में रबड़ का हमने कुन्नू चाहे स्टील का डब्बा में कुल्ले और फिर ढक्कन लगे दे और डेयरी पे पहुंचे दे कभी बीच में कहीं भी माकड़ा कहीं भी गिरेगा कहीं कहीं भी गंद तरह का कहीं आओ जानवर वो गिर जाए तो दूध फट जाए तो डेयरी को भी नुकसान है और अपनों भी नुकसान है। मेरा नाम हीरालाल रावत है, मैं बोरखालिया दूध डेयरी से हूँ और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि दूध साफ लाए। अगर एक ने खराब लाया तो पूरी टंकी को खराब कर सकता है, उसका दूध अगर फट गया तो पूरी टंकी को खराब कर देगा। हम दिन में 3 बार साफ सफाई करा और हाँ कभी वो मिट्टी दे सब कीचड़ कर दे गोबर पे 3 बार उठा हम गोबर पे 3 बार झाड़ू निकाला क्योंकि वहाँ गिलो गचरे सब तो गाय पे सब गिला बटन उटन सब तो कीचड़ ही रहे होते तो हम गोबर फेंक आया और फिर पचाए फिर झाड़ू निकाल दे बायरो काट दे बायरा से अच्छा सूखी जाए पचो ना कहीं चारो वारो निपन्न दे ज्यादा उठे रहे कभी वो नहीं खाए तो होदी छे बड़ी होदी ओमे डाल दे चारों नीचे भी नहीं गिरन कलेग नहीं गिरो तो आराम से खाया करो। हाँ खड़ी खड़ी आपको गंदो पानी नहीं पीला कहीं कीचड़ में को कहीं खुदरा में डाबरा में उन्हें पेवाड़ा हम घर लाइन पानी पेवाड़ा हेडपम्प पर सत्रह जी खड़े पानी लाता जाऊँ पिलाता जाऊँ उनके एक तो भी नहीं पानी रहता गाय के 1 महीना में 2 बार नहलावा क्योंकि वो सब गोबर ओवर सब चोष्टे जाए कभी फिर नहीं नहलावा तो वह बीमार पड़ जाए गोबर सब चोष्टे रहे कहीं की गंदगी न सभी माकड़ा न बटी बटी ना अपन 1 महीना में 2 बार नहले देवा तो अच्छी साफ सफाई से गाय भी रहे इन्हें तो गाय पे बीमार पड़न दूध भी फिर वो कीटाणु रहे तो फिर बीमार अपनों भी पड़ा फिर अपनों भी खावा दूध तो फिर सब अपनों भी बीमार पड़ा ना फिर डेयरी पर दूध ले जाओ डेयरी पर को पूरा बोर खाड़ा को दूध खराब हुए फिर यहाँ से ले जाओ अब बोर खाड़े से बीएमसी पर वहाँ को पूरा दूध खराब हुए तो सब को घाटो अच्छे तो फिर होता है।